सिट डाउन, टेल मी। हमारे सारे गांव वाले बहुत मुसीबत में हैं। भगवान के लिए तेल खरीद लीजिए। मैंने मंगाया था ये। जाओ यहाँ से। नो नो, यू सिट डाउन, प्लीज बी सीटेड। देखो, ये अच्छा है कि तुम अपने गांव के बारे में सोचती हो, लेकिन उसने जो किया वहां सैकड़ों लोगों के सामने, इस बिजनेस टाइकून ने, इस देवी शेट्टी को ब्रोकर कहा, क्या उसे मैं ब्रोकर लगता हूं? हाँ, कोई बात नहीं, आई टोल्ड हिम, बस एक बार मुझे सॉरी बोल दे, पर उसने मना कर दिया। नाउ इमेजिन, अगर वो उन गांव वालों के लिए माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होगा तो मैंने भी तुम्हारे गांव का ठेका नहीं लिया। बस उसे बोलो एक बार सॉरी बोल दे, समझाओ उसे, टेल हिम, मुझे एक बार बस सॉरी बोल दे, उसके बाद मैं तेल खरीद लूंगा। अगर मैं उसके पैरों में गिर के माफी मांगूंगा तो गांव वालों की सारी परेशानी खत्म, यही चाहता है ना वो देवी? नहीं, मेरा कृष्णा उस नीच के सामने अपना सर झुका ये मंजूर नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कल ही चली जाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। जो बेंस कार में घूमती है और जो सोने के चम्मच के साथ पैदा होकर इतना त्याग कर सकती है, तो मैं तो साइकिल चलाने वाला आम इंसान हूं, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। चलो चलते। रुको, किससे मिलना है? अपॉइंटमेंट है क्या? जाके कहना कृष्णा आया है, अपॉइंटमेंट दे देगा। काम क्या है ये बताओ। देवी शेट्टी से माफी मांगने आया हूं। यहां कृष्णा कौन है? हमारे एमडी से सॉरी बोलने तुम ही आए हो ना? जूस पीकर ऊपर आ जाइए। नो थैंक्स। वापस चलते हैं ना कृष्ण। पहले अंदर तो चलो। बोलो, क्या मदद करूं तुम्हारी? मैं यहां सिर्फ अपने गांव वालों के लिए आया हूं, बाकी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो उसकी सजा पूरे गांव को क्यों दे रहे हो? अगर मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी है तो मुझे माफ कर दो, पर उन लोगों का तेल खरीद लो। अभी थोड़ा मजा आया ना? वेरी गुड, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। एनीवे, आई एम हैप्पी। यहां ऐसे माफी मांगोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। माफी उनके सामने मांगो जिनके सामने मेरी इंसल्ट की थी, मजा तब आएगा। लुक लुक, तुम्हारा प्यारा कृष्णा मुझसे सॉरी कहने आया है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे गांव को पाल सकता हूं कृष्णा। तुम्हारे गांव वालों के लिए मेरे पास बहुत सारा रोजगार है, गारमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा, ईंटों की भट्टी लगाऊंगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, तुम्हारे पूरे गांव की तेल मिल बंद। तेल की कोई मिल नहीं खुलेगी, बाकी कोई भी काम करो मैं मदद करूंगा, लेकिन तेल मिल नहीं खुलेगी। आओ। यहां आराम से बैठो। ए ब्रोकर, अभी जो तूने तुरतुरी बजाई है ना, ये मैं अपने गांव वालों को पहले ही सुना चुका हूँ। तू उनके काम ठप कर देगा, उनके ब्रांड हड़प कर उन्हें भिखारी बना देगा। हा? क्या करेगा बे, ये गांव वाले बहुत भोले होते हैं, तेरी चालबाजियां वो नहीं समझेंगे, लेकिन अब तेरी बकवास सुनने के बाद वो सब तुझे अच्छी तरह समझ गए होंगे। तुझ पर तरस आ रहा है रे, घूर क्या रहा है बे, गांव वालों के रिएक्शन देख। आज तक मैं अपना तेल तेरे ही मार्केट में बेच रहा था, लेकिन आज के बाद मैं इन गांव वालों का तेल भी बेचूंगा। ए दल्ले, जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले। सॉरी बोलो वरना जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हम हुल्ली दुर्ग वाले जब अपने पे आते हैं तो किसी के बाप की नहीं सुनते, सीधा फोड़ डालते हैं।
You bloody Indian, you! Indian मत बोल, भारतीय बोल। कोई पानी मांगे तो हम उसे जूस पिलाते हैं। अगर तूने मेरे गांव और मेरी जन्मभूमि पर गंदी नजर डाली तो चीर दूंगा। डॉक्टर कहता है कि तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तेरा तो वैसे ही बढ़ गया बे। हम तेल निकालना जानते हैं, अब चाहे वो नारियल का तेल हो या तुझ जैसे सुअर का। तेरी भलाई इसी में है कि सुधर जा, वरना सुधार दूंगा मैं। कम स्वीट हार्ट। यही 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 तो है बॉस, कावेरी लेके चला देखो बड़ा बॉस, सभी तो माने इसको सबसे तगड़ा बॉस। Yes, boss! He's boss! चुकंदर 12 किलो, 12 किलो शिमला मिर्ची 3 किलो, शिमला मिर्च 3 किलो, 2 किलो भिंडी, 2 किलो भिंडी। काका जी, हां कृष्णा से मिल लूं? कृष्णा किचन में जाकर मिल लो। हाँ। कृष्णा जी तुम कहाँ हो? उधर मुंबई के सबसे बड़े और खतरनाक डॉन की बैंड बजा दी और यहाँ बैठ के आलू के चिप्स तल रहे। भाई मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। रेड्डी मेरे बारे में मत सोच, हर कोई नहीं समझ पाता। बता क्यों आया? बिजनेस डील। उस दिन सुपारी दे रहा था और आज बिजनेस डील करने आया? कृष्णा सीरियस मैटर है, कॉमेडी मत करो। चल बोल। कृष्णा बाजार में तुम्हारे ब्रांड की जबरदस्त मांग है, डिब्बे वाले के साथ मिलकर तुमने जो अपना धंधा बढ़ाया है, आज तुम चाहो तो अपनी खुद की बड़ी सी कंपनी भी शुरू कर सकते हो, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? तुम्हारे इस ब्रांड पर ISI की सील नहीं है। अगर इस पर वो सील लग गई तो देखते ही देखते पूरे मार्केट पे कब्जा कर लोगे। अब तुम्हारे गांव चलते हैं, वहां जितना भी तेल है वो हम खरीद लेते हैं, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। कृष्णा प्लीज मान जाओ ना। इस गोल्डन ईगल कंपनी को हम दोनों मिलकर बर्बाद करेंगे। हेलो दादी माँ, कल कृष्णा गांव वापस आ रहा है अपने नायक जी से तेल खरीदने के लिए, उनको बता देना। ठीक है बता दूंगी। हेलो हेलो, मैं कृष्णा की दादी जेमा बोल रही हूँ। क्या हुआ जेमा? कल ना मैं और मेरा पोता तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेरे घर पे आ रही हो, लेकिन किस लिए? तेल की बात करने। क्या बोला? हे भगवान, इस बहरी को सुना ही नहीं देता। अब तेल लेने, अरे कुछ खास बात करनी है। नायक, कल सुबह सुबह कृष्णा जेम्मा हमारे घर आ रहे हैं शादी की बात करने। भाभी